हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर दीदी आरती शर्मा आज आपके लिए प्लांट सेल का क्लासिफिकेशन लेकर आई हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये प्लांट सेल? ये पूरा चार्ट मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो नाउ स्टार्ट। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, पादप कोशिका। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। सबसे ऊपर देखिए हमारा क्या लिखा है, पादप कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है कोशिका भित्ति एंड सेल वॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल। फिर सेकंड पार्ट क्या है इसका, जीव द्रव कला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टू पार्ट में। कौन कौन से, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीव द्रव। क्या जीव द्रव, जीव द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, कोशिका द्रव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड सेकंड आता है हमारा रिक्तिका, और इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। एंड थर्ड पार्ट आता है केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो चलिए अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म कितने भागों में डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, अजीवित पदार्थ फर्स्ट एंड सेकंड आएगा कोशिकांक। अब अजीवित पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, नॉन लिविंग मटेरियल, क्योंकि इसमें जीवित के आगे क्या लगा है, आ लग गया है, तो यहाँ पे मतलब इसमें लिविंग नहीं है, तो इसको नॉन लिविंग मटेरियल।